हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि सभी लोग अच्छे होंगे और घर में अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो दोस्तों, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020 का पार्ट 6 हमने देखना है। ऑलराइट, और इसको शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि करंट अफेयर्स के लिए मैंने आपको कहा था कि आपको अराउंड 100 लेक्चर्स हम जो है कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ताकि आपके एग्ज़ाम में वो हेल्पफुल रहे। तो वो तो आपके लेक्चर्स जो हैं वो चल ही रहे हैं। उसके अलावा 1 मई से एक इनिशिएटिव मैंने नया शुरू किया है, जिसमें मैं आपको डेली करंट अफेयर्स, जैसे जो डेली की जो न्यूज़ होती है हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस या बिजनेस लाइन, पीआईबी, वहाँ से आपके लिए कुछ एमसीक्यूज़ लेकर के आता हूँ। और वो क्लास जो है लाइव होती है 9:15 PM पर, रात को 9:15 बजे क्लास होती है, ठीक है। रात को कंडक्ट करने का रीज़न ये होता है ताकि सब लोग अच्छे से फ्री होकर आराम से आकर के बैठें, आराम से अपनी पढ़ाई करें। ऑलराइट, तो वो एमसीक्यूज़ भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। एमसीक्यूज़ ही करते हैं, उसमें 7, 8, 10 एमसीक्यूज़ जो हैं करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो वो लेक्चर आप देख सकते हो, वो भी आपके ईपीएफओ के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेंगे, क्योंकि करंट अफेयर में से कैसे स्टैटिक क्वेश्चंस डिराइव होते हैं वो भी हम जो है करते हैं। तो पहले 2 लेक्चर्स उसके ऑलरेडी हो चुके हैं, जिसका लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड का पार्ट 6, पार्ट 5 अभी तक हो चुके हैं। ऑलराइट, इस वाले पर्टिकुलर वीडियो में हम ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट और क्लोजर से रिलेटेड क्या प्रोविजंस हैं वो देखेंगे। ये पार्ट 1 रहेगा ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट और क्लोजर से रिलेटेड कंसेप्ट का। इसके बाद पार्ट 7 में जो है पार्ट 2 देखेंगे इसका। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट और जो आपका प्रोविजंस हैं, पहले कुछ डेफिनेशंस देखनी ज़रूरी है। एक टर्म जो हमें कंटिन्यूसली हम देखेंगे वो है कंटिन्यूस सर्विसेज। तो ये कंटिन्यूस सर्विस क्या होता है? जब हम कब कहते हैं कि कोई वर्कर जो है वो किसी इस्टेब्लिशमेंट के केस में कंटिन्यूस सर्विसेज में है। ओके, सो अगर कोई वर्कर अनइंटरप्टेड सर्विस दे रहा है किसी इस्टेब्लिशमेंट को, ओके, अब अनइंटरप्टेड सर्विस में वो वाले सर्विस डेज भी काउंट होंगे जिसमें उसने छुट्टी ली है। अगर छुट्टी सिकनेस की वजह से ली है, बीमार हो गया था, या ऑथोराइज्ड लीव, ऐसे होता है ना कि भाई महीने में 1 छुट्टी अलाउड है या साल में 10 छुट्टियां अलाउड हैं, तो जो ऑथोराइज्ड लीव है अगर उसने वो लिया है, या किसी एक्सीडेंट की वजह से वो बेचारा नहीं आ पाया, छुट्टी लेनी पड़ गया, तो वो वाली चीज़ हो गई, ठीक है। अगर इस्टेब्लिशमेंट में स्ट्राइक हो गई, और ये स्ट्राइक इलीगल नहीं है अगर, ठीक है, लीगल प्रॉपर नोटिस वगैरह दे करके स्ट्राइक किया गया है, ठीक है, उसकी वजह से वो वर्कर काम पर नहीं आया, या एम्प्लॉयर ने लॉकआउट कर दिया, ठीक है, तो इन सारे केसेस में हम ये कह सकते हैं कि वर्कर, ऐसा नहीं है कि वो जानबूझ करके काम पे नहीं आया, ठीक है, सिकनेस हो गया, ऑथराइज लीव हो गया, एक्सीडेंट हो गया, स्ट्राइक हो गया, लॉकआउट हो गया, तो इसमें वर्कर की बेचारे की कोई गलती नहीं है। तो ये जो दिन है जिन पर वो लीव में है बिकॉज ऑफ दिस रीजंस, वो भी उसका कंटिन्यूस सर्विस की डेफिनेशन में आएगा, ठीक है जी। उसके बाद अब अगर हम बात करते हैं इस सेक्शन की, कंटिन्यूस सर्विस वाले सेक्शन की अगर हम बात करते हैं, तो हम ये कहते हैं कि वेयर अ वर्कर इज नॉट इन कंटिन्यूस सर्विस फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और 6 मंथ्स, ही शैल बी डीम्ड टू बी इन कंटिन्यूस सर्विस अंडर एन एम्प्लॉयर। अब हमने कुछ सिचुएशंस पकड़ी हैं, कुछ सेक्टर्स की, कि अगर कोई व्यक्ति, जैसे वैसे हम जनरली बोलते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन जो है 12 महीने तक या 1 साल तक कंटिन्यूसली काम कर रहा है, तो उसको आप कंटिन्यूस सर्विस की डेफिनेशन में रख दोगे। पर कुछ एरियाज हैं जहाँ पर अगर there is a person who is not continuously working for 1 year or who is not continuously working for 6 months even, तब भी वो continuous service की definition में आएगा, ठीक है। सो अगर हम 1 साल की बात करें, तो कोई person वो continuously 12 महीने तक उसने काम नहीं किया preceding the date with रेफरेंस जहाँ से हम कैलकुलेट करना शुरू कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल 3 मई 2021 से हम कैलकुलेट करना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो 3 मई 2021 से अगर मैं 1 साल पीछे देखता हूँ, 3 मई 2020 तक का मैं देखता हूँ, तो 1 साल उसने कंटिन्यूसली काम नहीं किया, ठीक है। तो वो कौन से ऐसे वर्कर होंगे जो फिर भी कंटिन्यूस सर्विस की डेफिनेशन में आएंगे? तो वो वर्कर्स हु हैव बीन एम्प्लॉयड बिलो द ग्राउंड इन अ माइन, जो किसी खदान में काम कर रहे हैं, किसी माइन में काम कर रहे हैं, तो उनके केस में पूरे 365 डेज या 12 महीने नहीं कंसिडर किए जाएंगे। अगर ऐसा वर्कर जो किसी माइन में काम कर रहा है वो 190 डेज के लिए भी अगर काम कर रहा है, तो उस केस में वो कंटिन्यूस सर्विस की डेफिनेशन में आ जाएगा, ठीक है, कंटिन्यूस सर्विस की डेफिनेशन में आ जाएगा। एंड 245 डेज इन अनदर केस। तो कोई भी वर्कर किसी भी इंडस्ट्री का वर्कर अगर 245 दिन के लिए काम कर रहा है तो वो कंटिन्यूअस सर्विस की डेफिनेशन में आ जाएगा। अगर आप एक साल का पीरियड कंसीडर कर रहे हो, अगर आप एक साल का पीरियड कंसीडर कर रहे हो तो माइन के अंदर काम करने वालों के लिए 190 दिन और बाकी के इंडस्ट्रीज में काम करने वालों के लिए कितने दिन हो गए 240 डेज। ठीक है, तो 12 महीने में 365 दिन में अगर कोई भी किसी भी इंडस्ट्री का पर्सन 240 दिन के लिए काम कर रहा है तो वो कंटिन्यूअस सर्विस में आ जाएगा। और माइंस में काम करने वाला 190 दिन, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। ऑलराइट, चलिए दूसरा, अगर हम 6 मंथ्स वाला कंसीडर करते हैं तो 6 मंथ्स के केस में अगर पिछले 6 महीने में किसी ने भी 95 डेज तक काम किया है, वैसे अगर 6 महीने में कितने दिन होते हैं 180 दिन, तो अगर इन 180 दिनों में से 95 दिन जो बंदे माइंस के अंदर काम कर रहे हैं वो हैव बीन एम्प्लॉयड इन अ माइन, तो अगर उन्होंने 95 डेज के लिए भी काम किया है तो भी वो कंटिन्यूअस सर्विस की डेफिनेशन में आ जाएंगे। और अदर केसेस में 120 डेज। ओके, तो बहुत अच्छे से याद रखना है, एक साल में कंटिन्यूअस सर्विस में कौन आ जाएगा 240 दिन बाकी की इंडस्ट्रीज में और 190 दिन माइंस में। 6 महीने अगर हम रेफरेंस पीरियड ले रहे हैं तो अगर 6 महीने में 95 डेज माइन वाले ने काम किया है और 120 दिन जो है बाकी के इंडस्ट्री वालों ने काम किया है तो वो कंटिन्यूअस सर्विस की डेफिनेशन में आ जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चंस इनके अंदर फ्रेम जो है वो हो सकते हैं। ओके, चलिए, ऑलराइट, द नंबर ऑफ डेज ऑन विच अ वर्कर हैज एक्चुअली वर्कड अंडर एन एम्प्लॉयर शॉल इंक्लूड द डेज ऑन विच, जो सर्विस के दिन है, जो कंटिन्यूअस सर्विस के दिन है, जो हमने देखा कि भाई 240 दिन या 120 दिन या 95 डेज जो ये काउंट हो रहे हैं, ये इनमें और कौन से डेज इंक्लूड होंगे। अगर जो पर्सन है, अगर जो एम्प्लॉय है उसको ले ऑफ कर दिया है, ले ऑफ की डेफिनेशन क्या होती है वो मैं अभी दिखाऊंगा। एक तरह से टेम्पररी वर्कर को काम से हटा दिया गया है, अभी के लिए इतना समझ लो, टेम्पररी काम से हटा दिया गया है, एम्प्लॉयर ने टेम्पररीली उसको हटा दिया है, वो काम पर नहीं आ रहा, तो वो जो पीरियड है वो भी उसके नंबर ऑफ कंटिन्यूअस वर्क में काउंट होएंगे, वो भी इन 240 दिनों में काउंट होएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर वो लीव पर है, छुट्टी पर है, जिसके लिए उसको वेजेस भी पे किए जा रहे हैं, ठीक है, पेड लीव होती है ना, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई साल में 10 छुट्टियां, 12 छुट्टियां या 15 छुट्टियां अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्री जो अलाउड हैं, अगर वो उन वो वाली छुट्टियों पर है तो वो भी उसके कंटिन्यूअस सर्विस के डेज में काउंट होएंगी, 240 में काउंट होएंगी। ठीक है, एब्सेंट ड्यू टू टेम्पररी डिसेबलमेंट, काम करते करते उसका कोई एक्सीडेंट हो गया था, किसी मशीन के ऊपर वो काम कर रहा था जिसमें वो उसका एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से उसका हाथ कट गया फॉर एग्जाम्पल और वो नहीं आ पाया काम पर, तो वो भी 5 दिन 10 दिन के लिए नहीं आ पाया, तो वो भी उसके टेम्पररी सर्विस वाले डेज में काउंट होएंगे, सॉरी कंटिन्यूअस सर्विस वाले डेज में काउंट होएंगे। फीमेल के केस में अगर मेटर्निटी लीव के ऊपर है, जो मेटर्निटी लीव अलाउड है, जैसे 26 वीक्स की मेटर्निटी लीव अलाउड है, ठीक है, वुमेन को, तो अगर ये जो 26 वीक्स की जो फीमेल है वो मेटर्निटी लीव ले रही हैं तो ये 26 वीक्स भी फॉर एग्जांपल उनके कंटिन्यूअस सर्विस के अंदर काउंट होंगे। ये याद रखना है, डायरेक्टली स्टेटमेंट बेस्ड वाले क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। ओके, चलिए, नेक्स्ट हम डेफिनेशन समझेंगे ले ऑफ की। ले ऑफ का क्या मतलब होता है? ले ऑफ का मतलब होता है जब एम्प्लॉय की वजह से नहीं, एम्प्लॉयर की वजह से, एम्प्लॉयर जो है ही इज इनेबल, वो रिफ्यूज कर देता है, वो कंप्लीटली फेल हो जाता है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने में। किस वजह से? उसके पास कोयला नहीं है, फॉर एग्जाम्पल कोई एनर्जी सेक्टर है, ठीक है, लोहा पिघलाने का कोई सेक्टर है जहां पर कोल यूज किया जाता है हीट प्रोड्यूस करने के लिए, या बिजली की कमी है, या उसके पास रॉ मटेरियल ही नहीं है, ठीक है, उसके पास रॉ मटेरियल ही नहीं है जिससे वो प्रोडक्शन कर सके, ठीक है, तो इस केस में वो क्या करे बेचारा, उसके पास काम तो है नहीं तो बंदों को बिठा करके करेगा क्या, ठीक है, या फिर उसके पास स्टॉक ऑलरेडी बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो चुका है, मार्केट के अंदर डिमांड नहीं है, पेंडेमिक जैसी सिचुएशन जैसे अब इंडिया में चल रही है, कोविड वाली सिचुएशन चल रही है, लॉकडाउन चल रहा है, कोई ऐसी कंपनी है जहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर की बहुत ज्यादा जरूरत है, उसके बिना उनका प्रोडक्शन ही नहीं होगा, और ऑक्सीजन सिलेंडर गवर्नमेंट ने सारे के सारे किसको दे दिए कि भाई सिर्फ मेडिकल उसके लिए इस्तेमाल होंगे, मेडिकल यूज के लिए इस्तेमाल होंगे, तो उसके पास रॉ मटेरियल ही नहीं है, या उसके ऑलरेडी स्टॉक बहुत ज्यादा इकट्ठा हो चुका है जिसको वो बेच नहीं पा रहा, या फिर वो जो मशीनरी यूज करता था प्रोडक्शन के लिए उस मशीनरी का ब्रेकडाउन हो चुका है, या कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई है, ठीक है, या कोई और रीजन है जिसकी वजह से वो जो पर्सन्स हैं, जो एम्प्लॉयज हैं उसके उनको काम ही नहीं दे पा रहा, ठीक है, तो वो टेम्पररी उनको हटा देता है। ठीक है, जो वर्कर उसके मस्टर रोल में लिस्टेड हैं, जो उसके कंपनी के इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट का जो रजिस्टर है उसमें लिस्टेड हैं, वो उनको परमानेंटली नहीं हटा रहा। वो ये नहीं कह रहा कि मैं तुम्हें नौकरी से निकाल रहा हूँ, ठीक है, वो उनको रिट्रेंच नहीं कर रहा है, वो सिर्फ उनको अभी टेम्पररी पीरियड के लिए काम से हटा रहा है। तो उसको आप क्या कहोगे, ले ऑफ। ठीक है, ले ऑफ से रिलेटेड और भी प्रोविजंस होते हैं कि क्या कंपनसेशन वगैरह प्रोवाइड करना है, वो भी अभी हम देखेंगे। अभी के लिए ले ऑफ की डेफिनेशन समझ लो, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ले ऑफ समझ आ गया, कंटिन्यूस प्रोसेस समझ आ गया। देखो कंटिन्यूस प्रोसेस दोबारा लेकर के जा रहा हूँ, कंटिन्यूस प्रोसेस के ऊपर ये डेज याद रखने हैं। एक साल के केस में 190 डेज माइन वर्कर्स के लिए और 240 डेज बाकी के लिए कंटिन्यूस सर्विस में आएगा। ठीक है, 6 महीने के लिए अगर कोई 95 डेज काम कर रहा है 6 महीने में, तो वो कंटिन्यूस सर्विस की डेफिनेशन में आ जाएगा। अगर 6 महीने में कोई 120 डेज काम कर रहा है बाकी की इंडस्ट्रीज में, तो वो कंटिन्यूस सर्विस की डेफिनेशन में आ जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चंस यहाँ पर फॉर्म होते हैं। ले ऑफ की डेफिनेशन भी समझ ली। अब डेफिनेशन समझते हैं रिट्रेंचमेंट की। रिट्रेंचमेंट हो गया टर्मिनेशन। मैंने आपको बताया कि ले ऑफ में क्या है, टेम्पररी, जो रीजन हमने देखे। रिट्रेंचमेंट में हो गया टर्मिनेशन, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को निकाल दिया, ठीक है, किसी भी कारण की वजह से, लेकिन एज अ पनिशमेंट नहीं होना चाहिए, एज अ पनिशमेंट नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी रीजन हो। नो सॉरी, ये जो स्टेटमेंट है ये क्या कह रही है, एज अ पनिशमेंट भी उसको निकाला जा सकता है डिसिप्लिनरी एक्शन की तरह। बट डज नॉट इंक्लूड का मतलब कि क्या चीजें होंगी जो रिट्रेंचमेंट की डेफिनेशन में नहीं आएंगी। ठीक है, एज अ पनिशमेंट भी उसको निकाला जा सकता है, एज अ पनिशमेंट भी उसको निकाला जा सकता है। ऑलराइट, तो रिट्रेंचमेंट में क्या क्या नहीं आएगा। अगर इंप्लॉय वॉलंटरी रिटायरमेंट ले रहा है तो वो रिट्रेंचमेंट की डेफिनेशन में नहीं आएगा। ठीक है, सुपर एन्युएशन की एज के बाद रिटायरमेंट हो गया, फॉर एग्जाम्पल इंडस्ट्री में अगर 58 ईयर्स डिसाइडेड है कि भाई 58 ईयर्स में बंदा रिटायर होएगा और वो एज को क्रॉस कर चुका है तो रिटायर हो गया, तो उस केस में भी वो रिट्रेंचमेंट की डेफिनेशन में नहीं आएगा। एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था, फॉर एग्जाम्पल 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, अब 1 साल बाद उन्होंने उस कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू नहीं किया, तो ऑटोमेटिकली जो है एम्प्लॉयर जो है उसको निकाल सकता है, टर्मिनेट हो गया कॉन्ट्रैक्ट। ओके, टेन्योर कंप्लीट हो गया, जो टर्म था एम्प्लॉयमेंट का वो कंप्लीट हो गया। अगर एम्प्लॉय कंटिन्यूसली इल रह रहा है, उसकी तबीयत कंटिन्यूसली खराब रह रही है, तो उस केस में भी वो आ ही नहीं पा रहा काम करने, तो उस केस में भी अगर एम्प्लॉयर जो है ऐसे एम्प्लॉय को रिमूव करता है तो उस केस में भी वो रिट्रेंचमेंट की डेफिनेशन में नहीं आएगा। तो ये जो पॉइंट्स हैं, अगर इन वजह से एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ रहा है या इन रीजंस की वजह से एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन से हटाया जा रहा है, तो वो रिट्रेंचमेंट की डेफिनेशन में नहीं आएगा। याद कर लेने हैं ये वाले पॉइंट्स, पूछा जा सकता है डायरेक्टली स्टेट क्वेश्चन में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में किस तरह से पूछ सकता है, चलो एक क्वेश्चन भी आपको करके मैं बता देता हूँ। यहाँ पर देखो क्वेश्चन, which of the following will not be seen as retrenchment of employee by employer, okay, by employer under the Industrial Relations Code कोड 2020। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब मैं इस क्वेश्चन में ऑप्शंस क्या दूंगा, ऑप्शन ए मैं कह दूंगा, ऑप्शन ए मैंने कह दिया वॉलंटरी रिटायरमेंट को, ऑप्शन बी मैंने कह दिया टर्मिनेशन ऑफ सर्विस क्योंकि टेन्योर कंप्लीट हो गया, ऑप्शन सी मैंने कह दिया ऑन ग्राउंड ऑफ इल हेल्थ, और ऑप्शन डी मैंने कह दिया बिकॉज ऑफ द पनिशमेंट दैट इज इन्फ्लिक्टेड बाय वे ऑफ डिसिप्लिनरी एक्शन। तो आंसर क्या हो जाएगा, देखो क्वेश्चन क्या था कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी सीन एज रिट्रेंचमेंट ऑफ एम्प्लॉय बाय एम्प्लॉयर अंडर द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020। ऑलराइट, अब मैं एबीसी की जगह, चलो इसको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बना देते हैं, 1, 2, 3 एंड 4, ये 4 स्टेटमेंट्स मैंने दे दी। अब मैं एबीसीडी में क्या कह देता हूं, ए में कह देता हूं मैं 1, 2, 3 एंड 4, बी में मैं कह देता हूं 1, 2 एंड 3, सी में मैं कह देता हूं 1 एंड 4, डी में मैं कह देता हूं 2 एंड 4। तो आंसर क्या हो जाएगा इस केस में? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ये तीनों चीजें क्योंकि आपकी रिट्रेंचमेंट में नहीं आएंगी, लेकिन अगर पनिशमेंट से हटाया जा रहा है तो वो रिट्रेंचमेंट में आएगा। तो इस तरह से आपने अपने आप को प्रिपेयर करना है। ओके चलो, देखो क्वेश्चंस जितने आप खुद से सोचने की कोशिश करोगे ना कि हाँ ये चीज़ मैंने पढ़ी है, इसमें से किस तरह से एमसीक्यू बन सकता है, वो अल्टीमेटली आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा पेपर के अंदर, क्योंकि आपकी इनोवेशन उसमें लगेगी। और यूपीएससी जो है, यूपीएससी इज़ ऑल्सो नोन फॉर इट्स इनोवेशन, ठीक है। यूपीएससी जाना जाता है अपने इनोवेटिव क्वेश्चंस फॉर्म करने के लिए, तो जितना इनोवेटिव आप होने की कोशिश करोगे उतना ज़्यादा आपको मदद मिलेगी, ठीक है ना। चलिए ओके, नाउ अब हम बात करेंगे राइट ऑफ लेड ऑफ वर्कर्स फॉर कंपनसेशन। जिन वर्कर्स को ले ऑफ किया जा रहा है, जिन वर्कर्स को टेम्पररी हटाया जा रहा है, उन वर्कर्स को क्या कंपनसेशन दिया जाएगा। और ये वेज कोड के सेक्शन 67 में लिखा गया है। अब जनरली आप कहोगे कि सर पीछे हमने जितनी वीडियोस देखी वेज कोड, सॉरी इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड के सेक्शन 67 में लिखा गया है। अब आप कहोगे सर जितनी हमने पीछे वीडियोस देखी, चाहे वेज कोड है चाहे रिलेशन कोड है, आपने कहा सेक्शन याद करने की जरूरत नहीं है, आपने ना सेक्शन हमें वीडियो में करवाए, ठीक है। तो मैं ये भी सेक्शन आप ना याद करो, ये सेक्शन भी आप याद मत करो। यहाँ पर सेक्शन लिखे जाने का एक रीज़न है क्योंकि इन सेक्शंस के साथ कुछ जो है एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। वो एक्सेप्शंस मैं आपको ताकि इजीली समझा सकूं, समझने के लिए यहाँ पर ये सेक्शन लिखा गया, नहीं तो क्वेश्चन में ईपीएफओ के पेपर में आपसे सेक्शन तो नहीं पूछा जाएगा, वो तो डेफिनेट है, ठीक है। चलो, तो कंपनसेशन देने की बात जो है क्या है, वो तो कोई भी वर्कर जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है अदर देन अ बदली वर्कर और अ कैजुअल वर्कर, यानी कि यहाँ पर जो वर्कर कंटिन्यूअस सर्विस में है, जो कंटिन्यूअस सर्विस का वर्कर है उसको कंपनसेशन मिलेगा। क्योंकि ये जो कंटिन्यूअस वर्कर है ना, इसका जो नाम है वो मस्टर रोल में आता है। एम्प्लॉयर, जो एम्प्लॉयर है, जो इस्टेब्लिशमेंट है, उसका एक रजिस्टर होता है कि ये लोग मेरे पास एम्प्लॉयड हैं। उस रजिस्टर में सारे नाम जो लिखे होते हैं उसको मस्टर रोल कहते हैं, ठीक है। और इसने 1 साल का काम कंप्लीट कर लिया है एज अ कंटिन्यूअस सर्विस। कंटिन्यूअस सर्विस में आने के लिए कितने दिन काम करना है? 1 साल 240 दिन, ठीक है। और माइंस के केस में 190 दिन। तो कंटिन्यूअस सर्विस में ये आ चुका है, और क्योंकि ये कंटिन्यूअस सर्विस में आ चुका है, अगर इसको हटाया जाता है वेदर कंटिन्यूअसली या इंटरमिटेंटली, मतलब इसको निकाला नहीं गया अभी नौकरी से, इसको ये नहीं कहा गया कि भाई जा दो, इसको भी ये कहा गया कि अभी काम नहीं है तो तब तक के लिए तुझे आने की जरूरत नहीं है, तो ले ऑफ इसको किया जा रहा है, तो उस केस में कंपनसेशन प्रोवाइड कराना पड़ेगा, ठीक है। तो कंपनसेशन क्या होगा उसके ऊपर जाने से पहले यहां पर एक टर्म लिखी है बदली वर्कर। ये बदली वर्कर क्या होता है, इसको पहले एग्जांपल से समझो। फॉर एग्जांपल रमेश एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा था, और रमेश वहां पर कंटिन्यूअस वर्कर था, कंटिन्यूअस सर्विसेज में था, ठीक है, कंटिन्यूअस सर्विसेज में था। तो इसी वजह से रमेश का नाम वहाँ के मस्टर रोल में भी होएगा, रजिस्टर में भी होएगा। अब क्या हुआ, रमेश छोड़ गया, ठीक है, रमेश काम को छोड़ गया, और रमेश की जगह सुरेश को रखा गया। लेकिन ये सुरेश का नाम मस्टर रोल में नहीं डाला गया, ये अभी रमेश का जो नाम था ना मस्टर रोल में, उसी के ऊपर काम कर रहा है। एक तरह से आप ये कह सकते हो कि ये रमेश की जगह पे काम कर रहा है, ठीक है। तो सुरेश का नाम भी नहीं है मस्टर रोल में, तो उस केस में हम सुरेश को क्या कहेंगे, बदली वर्कर कहेंगे, ठीक है। उस केस में हम क्या कहेंगे, सुरेश को बदली वर्कर। लेकिन जब सुरेश का 1 साल का पीरियड कवर हो जाएगा कंटिन्यूअस सर्विसेज में, जब सुरेश का 1 साल का पीरियड खत्म हो जाएगा, तब ये बदली वर्कर नहीं होएगा, तब ऑटोमेटिकली ये कंटिन्यूअस सर्विस की डेफिनेशन में आ जाएगा, और इसका नाम मस्टर रोल में ऑर्गेनाइजेशन को एंटर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होती है आपकी बदली वर्कर की डेफिनेशन। ओके, तो ये डेफिनेशन भी आपके पास है पीडीएफ, जिन बच्चों ने सब्सक्राइब कर लिया उसको, उनको तो पीडीएफ मिल ही जाएगा, है ना। बाकी लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ओके, तो जो भी कंटिन्यूअस वर्कर है, वापस आ जाते हैं कंटिन्यूअस वर्कर के ऊपर, अगर उसको ले ऑफ किया जा रहा है तो ऐसे वर्कर को एम्प्लॉयर को कंपनसेशन देना पड़ेगा जितने दिन के लिए उसको ले ऑफ किया जा रहा है, एक्सेप्ट फॉर वीकली हॉलीडेज। अब इसका क्या मतलब हुआ, फॉर एग्जाम्पल एक एम्प्लॉय को 2 हफ्ते के लिए ले ऑफ किया गया, 2 वीक्स के लिए ले ऑफ किया गया, ओके, 2 वीक्स के लिए उसको ले ऑफ किया गया। अब 2 वीक में हर हफ्ते उस एम्प्लॉय को 2 छुट्टी मिलती थी, तो कंपनसेशन जो है उसको कितने दिन के लिए दिया जाएगा? 10 दिन के लिए दिया जाएगा, क्योंकि 2 दिन की तो उसको वैसे भी छुट्टी मिलती थी ना, तो 4 छुट्टियां तो उसकी वैसे भी चली गई, तो 14 दिन का कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा उसको, 10 दिन का कंपनसेशन दिया जाएगा। ओके, तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। और कंपनसेशन जो है वो कम से कम 50% होना चाहिए बेसिक वेजेस और डीए का। फॉर एग्जाम्पल, अगर इम्प्लॉय की, मैं फिर से यही बात करता हूँ, हफ्ते में उसकी सैलरी 5 डेज के लिए उसको फॉर एग्जाम्पल ले ऑफ किया गया, और 5 डेज की जो उसकी सैलरी बैठती थी वो 500 रुपीज बैठती थी, बेसिक वेज और डीए मिलाकर के 500 रुपये बनते थे। तो मिनिमम कंपनसेशन एम्प्लॉयर को, ऐसे एम्प्लॉय को 250 रुपये तो देना ही पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? 250 रुपये तो देना ही पड़ेगा। ओके, चलो नेक्स्ट। अब बात की जा रही है सेक्शन 67 में ही कि कंपनसेशन किस केस में नहीं देना पड़ेगा। अगर एम्प्लॉय को 45 डेज से ज्यादा समय के लिए ले ऑफ किया गया है, यानी कि 1.5 महीने से ज्यादा समय के लिए उसको ले ऑफ किया गया है, तो उस केस में जो एम्प्लॉयर है उसको कंपनसेशन नहीं प्रोवाइड करना पड़ेगा। ओके, सो प्रोवाइडेड दैट इफ ड्यूरिंग एनी पीरियड ऑफ 12 मंथ्स अ वर्कर इज सो लेड ऑफ फॉर मोर देन 45 डेज, अगर पिछले 1 साल में वर्कर के 45 दिन ले ऑफ के पूरे हो चुके हैं तो उसको कंपनसेशन नहीं प्रोवाइड करने की जरूरत है एम्प्लॉयर को। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो 45 दिन एक बार में उसको ले ऑफ किया गया हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कभी 5 दिन के लिए उसको हटा दिया, कभी 10 दिन के लिए उसको हटा दिया, फिर कभी 2 दिन के लिए उसको हटा दिया, टोटल नंबर ऑफ डेज देखे जाएंगे। तो जब टोटल ये 45 पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद अगर एम्प्लॉयर उसको हटा रहा है, टेम्परेरीली उसको ले ऑफ कर रहा है, तो उस केस में उसको कंपनसेशन देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जरूरी क्या है कि इसके लिए एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के साथ इस तरह का एग्रीमेंट साइन किया हुआ हो। पहले एक एग्रीमेंट होना चाहिए कि भाई अगर 1 साल में मैं तेरे को 45 दिन तक के समय के लिए हटाऊंगा तो मेरे को तेरे को कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। अगर मैं 1 साल में तेरे को 45 डेज से ज़्यादा समय के लिए ले ऑफ कर रहा हूं तो उस केस में मैं तुझे कंपनसेशन नहीं दूंगा। ठीक है, दूसरी चीज़ सेक्शन 67 में ही क्या लिखी गई? रिट्रेंचमेंट आफ्टर 45 डेज ऑफ ले ऑफ। तो ये भी कोड में लिख दिया गया, एम्प्लॉयर अगर चाहे, अगर उसने 45 दिन के लिए ले ऑफ कर दिया है, टेम्परेरीली हटा दिया है, तो 45 दिन बाद वो एम्प्लॉय को ये भी बोल सकता है कि मैं तुझे अब परमानेंटली हटा रहा हूं, मैं तुझे नौकरी से निकाल रहा हूं क्योंकि मेरे पास काम नहीं है। ठीक है, तो रिट्रेंचमेंट जो होएगी, देखो रिट्रेंचमेंट किस केस में की जा सकती है, वो वाले ग्राउंड सेक्शन 70 के अंदर कवर्ड है, वो भी अभी देखेंगे। रिट्रेंचमेंट किस केसेस में की जा सकती है वो हम देखेंगे अगले वीडियो में मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, तो रिट्रेंचमेंट किस केस में की जा सकती है, सेक्शन 70 में लिखा है। तो एम्प्लॉयर चाहे तो 45 डेज के ले ऑफ के बाद एम्प्लॉय को हटा सकता है। और इस केस में एक और प्रोविजन, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन लिखा गया है। अब फॉर एग्जांपल 45 दिन तक पहले उसने उसको ले ऑफ किया, तो हमने कहा कि भाई ले ऑफ के समय पे कंपनसेशन देना पड़ेगा। ठीक है, अब कुछ प्रोविजंस ये भी कहते हैं कि अगर एम्प्लॉय को रिट्रेंच किया जा रहा है, अगर एम्प्लॉय को रिट्रेंच किया जा रहा है, उसको निकाला जा रहा है, तो उस केस में भी उसको कुछ कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो ये प्रोविजन क्या कहता है कि अगर एम्प्लॉयर परमानेंटली रिट्रेंच कर रहा है, निकाल रहा है, तो जो उसने पहले ले ऑफ के लिए कंपनसेशन दिया था वो रिट्रेंचमेंट के कंपनसेशन में से माइनस कर सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ले ऑफ के लिए उसने 100 रुपये का कंपनसेशन दिया था, और कानून के हिसाब से अगर वो उसको निकाल रहा है 45 दिन बाद तो कंपनसेशन 200 रुपये बनता है। तो कानून क्या कहता है कि भैया तू 200 रुपये मत दे इसको, अब तू अब इसको सिर्फ 100 रुपये दे, जो तूने पहले ले ऑफ के लिए इसको 100 रुपये दिए थे वो काट ले। ठीक है जी, तो एनी कंपनसेशन पेड टू द वर्कर फॉर हैविंग बीन लेड ऑफ ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग 12 मंथ्स मस्ट बी सेट ऑफ, आप लेस कर लोगे उसको अगेंस्ट द कंपनसेशन पेएबल फॉर रिट्रेंचमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। ठीक है, ध्यान से सुनने हैं ये सारे पॉइंट्स, एक बार में क्या पता हो सकता है कि ना समझ में आए। लॉ के पॉइंट्स हैं, जो नॉन लॉ से, लॉ बैकग्राउंड से हैं बच्चे, ठीक है, साइंस के बच्चे हैं, कॉमर्स के बच्चे हैं, उन्होंने जरूरी नहीं है कि लॉ पढ़ा हो पहले, तो नहीं समझ में आती लॉ वाली चीजें, नहीं समझ में आते कंसेप्ट। तो 1 से 2 बार वीडियो को सुनो, 3 बार वीडियो को सुनो, ये सिर्फ पीडीएफ डाउनलोड करने से भी नहीं समझ में आएगा, लेक्चर को सुनोगे तो शायद समझ में आ जाए। ठीक है, और कोई डाउट भी रहता है, अगर कोई चीज नहीं समझ में आती तो कमेंट सेक्शन में उसको बिना किसी झिझक के, बिना किसी डर के पोस्ट कर देना है। ठीक है, या फिर व्हाट्सएप भी कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर हर वीडियो के एंड में देता ही हूँ। ठीक है, अभी भी दिखाऊंगा वीडियो के एंड में व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी, उन पे भी डाउट्स भेज सकते हो अपने। ठीक है ना। चलो आगे चलें। नेक्स्ट जो है ड्यूटी ऑफ एन एम्प्लॉयर टू मेंटेन मस्टर रोल्स ऑफ वर्कर, सेक्शन 68। अब सेक्शन 68 के ऊपर क्या आ गया कि एक एम्प्लॉयर का कर्तव्य है, एक एम्प्लॉयर की ड्यूटी है कि उसको वो मस्टर रोल मेंटेन करना है। मस्टर रोल क्या होता है, मैंने आपको पहले बता दिया, एक रजिस्टर होता है जिसमें जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज हैं उनका नाम आ जाता है। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ घुसने वाला नहीं है। ओके, नेक्स्ट इज वर्कर हु आर नॉट एंटाइटल्ड टू कंपनसेशन इन सर्टेन केसेस। कुछ केसेस में जहां पर वर्कर को कोई कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अगर उनको ले ऑफ किया जा रहा है, अभी हमने देखा कि ले ऑफ करना है तो कंपनसेशन देना पड़ेगा। कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पर एम्प्लॉयर अगर वर्कर को ले ऑफ कर भी रहा है तब भी उसको कंपनसेशन देने की जरूरत नहीं है। कहां पर कंपनसेशन देने की जरूरत नहीं है, जहां पर ही रिफ्यूजेस। ही का यहां पर कौन है, ही है एम्प्लॉय। ही कौन है, ही है एम्प्लॉय। जहां पर एम्प्लॉय रिफ्यूज कर देता है, एम्प्लॉय मना कर देता है। अगर एम्प्लॉयर ये कह रहा है, एम्प्लॉयर क्या कह रहा है, एम्प्लॉयर के फॉर एग्जाम्पल दो डिपार्टमेंट हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी। ठीक है, अब ए डिपार्टमेंट में एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय का काम नहीं है, तो एम्प्लॉयर क्या कह रहा है कि यार अभी यहाँ पर तो काम नहीं है, तू डिपार्टमेंट बी में जाकर के काम कर ले, तू डिपार्टमेंट बी में जाकर के काम कर ले। सेम टाइप का काम है, काम जो है सेम टाइप का है। ऐसा नहीं है कि ए को कुछ अलग टाइप का काम दिया जा रहा है जिसके उसके पास स्किल्स नहीं है या उसको नए स्किल एक्वायर करने पड़ेंगे, सेम टाइप का काम दिया जा रहा है। अब ठीक है, ए से बी में जाके काम कर ले, लेकिन वो एम्प्लॉय कहता है नहीं मैं काम करूंगा तो डिपार्टमेंट ए में ही करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। तो उस केस में एम्प्लॉयर कहेगा कि ठीक है भाई, फिर जब डिपार्टमेंट ए में काम होएगा तब तेरे को बुला लेंगे, तब तक के लिए तू घर बैठ। ठीक है, तो उस केस में वो एम्प्लॉयर जो है उसको कंपनसेशन देने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, एम्प्लॉयर क्या कहता है, एम्प्लॉयर की दो इस्टेब्लिशमेंट्स हैं एक ही शहर में या एक ही गांव में या 8 किलोमीटर के रेडियस में। ठीक है, एम्प्लॉयर की दो इस्टेब्लिशमेंट है, वंस अगेन एक्स इस्टेब्लिशमेंट, वाई इस्टेब्लिशमेंट। अब एक्स इस्टेब्लिशमेंट में कोई काम नहीं है तो वो उसको कहता है तू वाई इस्टेब्लिशमेंट में जाके काम कर ले। मना कर देता है एम्प्लॉय कि नहीं मैं काम करूंगा तो एक्स में करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। तो उस केस में फिर एम्प्लॉयर कहेगा कि भाई अभी यहाँ पे तो काम है नहीं, तब तक तू घर बैठ, जब काम होगा तेरे को बुला लेंगे। तो इस केस में भी उसको कोई कंपनसेशन देने की जरूरत नहीं है, एम्प्लॉय को कोई कंपनसेशन देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन ये दोनों चीजें कब होंगी, जब जो ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट है, मैंने आपको बताया वो सेम टाइप का जॉब है और उसके लिए एम्प्लॉय को कोई स्पेशल स्किल या एक्सपीरियंस या किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है और उसको वेजेस भी सेम पे की जा रही हैं। ठीक है, तो उस केस में अगर वो जो डिनाई करता है सेम किसी दूसरे डिपार्टमेंट में या किसी दूसरी इस्टेब्लिशमेंट में काम करने से, तो फिर उसको कंपनसेशन देने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, उसके बाद अगर वो काम पर नहीं आता एटलीस्ट वंस अ डे, अगर वो एक दिन की भी छुट्टी मारता है नॉर्मल वर्किंग आवर्स में बिना इन्फॉर्म किए या अगेंस्ट द रूल्स, तो उस केस में भी उसको ले ऑफ किया जा सकता है और उसको फिर कंपनसेशन देने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर स्ट्राइक पे चले गए वर्कर्स या स्लो डाउन उन्होंने प्रोडक्शन कर दिया और जो वर्कर है वो उस स्ट्राइक का या स्लो प्रोडक्शन का पार्ट है, तो वो ले ऑफ कर देगा उनको, वो कहेगा ठीक है बैठे रहो स्ट्राइक पे, मत आओ काम पर, तो उस केस में भी कंपनसेशन देने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये कंपनसेशन जो ना देने के ग्राउंड्स हैं आपको पता होने चाहिए। कंपनसेशन कितना देना है, बेसिक पे और डियरनेस अलाउंस का 50%, ये भी पता होने चाहिए। सारे फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सारे फैक्ट्स के ऊपर MCQs हम बहुत अच्छे से आपको कवर कराएंगे, किसमें, जो हमारा पेड कोर्स है। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया पेड MCQ पेड कोर्स है, उसमें सारे इन टॉपिक्स पे MCQ किस तरह से फॉर्म होंगे वो दिखाए जाते हैं। ठीक है, किसी को वो कोर्स एक्सप्लोर करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कर सकते हो। चलिए ओके, अब मैंने आपको बताया कि मैंने सेक्शंस क्यों दिखाए थे, हमने कौन से सेक्शन देखे, हमने 3 सेक्शन देखे। सेक्शन 67 जिसमें कंपनसेशन की बात की गई है, 45 डेज के बाद कंपनसेशन नहीं देने की जरूरत, रिट्रेंचमेंट भी किया जा सकता है 45 डेज के बाद, वो वाला प्रोविजंस देखे। 68 मस्टर रोल वाले प्रोविजंस देखे। 69 में कौन सा प्रोविजन आ गया कि कंपनसेशन किस केस में नहीं दिया जाएगा अगर ले ऑफ किया भी जा रहा है तो भी। ठीक है, तो ये 3 प्रोविजंस जो हैं, ये 3 प्रोविजंस नहीं लगेंगे कहाँ पर। सबसे पहले चैप्टर 10, ये अभी हम जो कर रहे हैं ये चैप्टर 9 है, लेकिन वो हमें याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पेपर में नहीं पूछा जाएगा। चैप्टर 10 कौन सा है, स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट एंड क्लोजर, ये भी हम आगे के लेक्चर्स में करेंगे। तो जो स्पेशल प्रोविजन, जो इंडस्ट्रीज के ऊपर स्पेशल प्रोविजन लगेगा उनके ऊपर ये 3 सेक्शन अप्लाई नहीं होंगे। और किसके ऊपर अप्लाई नहीं होंगे, सेक्शन 61 टू 69, जहां पर 50 से कम वर्कर्स काम कर रहे हैं ऑन एन एवरेज एक महीने में, ठीक है, ऑन एन एवरेज एक महीने में 50 से कम वर्कर काम कर रहे हैं, एवरेज निकाला जाएगा। ऐसा हो सकता है कि किसी दिन 60 लोग काम कर रहे हैं, किसी दिन 40 लोग ही रह गए, किसी दिन 30 लोग ही रह गए, तो निकाला क्या जाएगा एवरेज। तो पूरे महीने में अगर 50 से कम लोग काम कर रहे हैं एक इंडस्ट्री में तो वहां पर नहीं लगेगा। दूसरा, ऐसी कोई इंडस्ट्री जो सीजनल है करेक्टर में, ऐसी कोई इंडस्ट्री जो सीजनल है करेक्टर में, यानी कि वो पूरा साल काम पे नहीं रहती है, पूरा साल वर्किंग पे नहीं रहती है, तो उनमें भी आपके ये तीन सेक्शंस, ले ऑफ के केस में कंपनसेशन, मस्टर रोल और किस केस में ले ऑफ में कंपनसेशन नहीं पे किया जाएगा, जो तीन सेक्शंस हमने देखे ये नहीं अप्लाई होंगे। ऑलराइट, चलिए ओके, सो यहाँ पर हमारा पार्ट वन जो है वो खत्म हो जाता है, पार्ट टू देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ऑलराइट, एमसीक्यू कोर्सेज कॉम्बो कोर्स भी अवेलेबल है जिसमें इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, तीनों के 500 एमसीक्यूज आपको मिलेंगे। इंडिविजुअल भी ले सकते हो, गैप का ले सकते हो, लॉ का ले सकते हो, सोशल सिक्योरिटी का ले सकते हो, आपकी मर्जी है। इनसे रिलेटेड कोई डाउट है, क्वेरी है तो व्हाट्सएप कर सकते हो 9041244689 से रिलेटेड के ऊपर। वीडियो से रिलेटेड कुछ समझ ना आया हो, कोई गाइडेंस चाहिए हो, कोई मेंटरशिप चाहिए हो, उस केस में भी व्हाट्सएप कर सकते हो। प्रेफर व्हाट्सएप करना, कॉल मैं अपने आप कर लूँगा, आप मेरे को व्हाट्सएप करके छोड़ देना, या फिर आप मेल कर सकते हो shikshit@gmail.com पे ऊपर। कोई भी डाउट है, कुछ पूछना है, सब चीज़ें आप जो है बिंदास एकदम पूछ सकते हो। ऑलराइट, चलिए ये टॉपिक हो गया, अब पार्ट टू देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ऑलराइट, चलिए तो यहाँ पर इस वीडियो को खत्म करेंगे। कोई भी डाउट हो, वंस अगेन सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है, बाकी की वीडियोज़ आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं। चैनल को शेयर ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो EPFO की तैयारी कर रहे हैं या जो UPSC के बाकी एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत सारा कंटेंट आपको YouTube पर मिलेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।